खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से है, जहां रविवार की शाम सदर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंहपुर गांव के समीप नेशनल हाईवे पर एक युवती नशे की हालत में मिली थी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सोमवार की सुबह होश में आने पर युवती ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि कुछ युवक चारपहिया वाहन में काम के बहाने बैठा कर ले गए और जबरन नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीड़ित ने बताया कि वह बिहार प्रदेश के दुर्गावती थाना क्षेत्र की रहने वाली है और करीब एक साल से चंदौली में रानी नामक युवती के पास रहकर आर्केस्ट्रा में काम करती है। एक्स्ट्रा कमाई के चक्कर में वह कुछ समय पहले दुर्गावती में एक डॉक्टर से मिली थी और उनसे हॉस्पिटल में काम मांगा था। कल उस डॉक्टर ने काम दिलाने के बहाने दुर्गावती को बुलाया और नशीला पदार्थ पिलाया। इसके पश्चात डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित ने बताया कि रोशन यादव नाम का कोई आदमी है जो उसे काम दिलाने के बहाने चंदौली चारपहिया में बैठा कर लाया था। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? आप कल एक यही नरसिंहपुर में सदर कोतवाली के नरसिंहपुर गाँव है नशे की हालत मिली थी, कैसे मिली थी, क्या था मामला, कुछ जानकारी है? सर यही काम के बारे में। काम के बारे में? हाँ सर। तो काम के बारे में आप, आपको नशा कोई खिलाया था कि कैसे? पिलाया गया था। कितने, कौन पिलाया था कुछ मालूम है? हाँ सर, जो काम देने वाला था वही। नाम पता है? हाँ। बताइए। उसका नाम रोशन यादव है। कहाँ का रहने वाला है? इतना पता नहीं है, पर वो चंदौली में हॉस्पिटल खुला है अपना खुद का। अपना खुद का हॉस्पिटल खुला है? तो इसके बारे में आपने पुलिस को सूचना उचना दिया है? हाँ सर। क्या कार्रवाई चाहती हैं, क्या चाहती हैं? कार्रवाई हो, मैं उनको सजा दिलवाना चाहती हूँ। सजा दिलवाना चाहती हैं। कल शाम को करीब 5:30 बजे 112 को जरिए टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो है नरसिंहपुर के सामने हाईवे पर पड़ी हुई है। इस सूचना पर हमारे 112 वाले कर्मचारी जा करके उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराए। थाने से महिला कॉन्स्टेबल भी हमारी गई कि बेहोशी की हालत में थी, इनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। आज सुबह करीब जो है 12 बजे के आसपास इनको जो है डॉक्टरों ने इलाज के पश्चात इनको डिस्चार्ज कर दिया। उनसे पूछताछ की गई तो उनको ये, उनके द्वारा ये बताया गया कि वो करीब एक साल से वो बिहार की रहने वाली हैं, घर छोड़ करके यहाँ पे रानी नाम की एक महिला रहती, उन्हीं के साथ वो रहती थी और आर्केस्ट्रा वगैरह में लगन के सीजन में गाना वाना गा के डांस वांस करके अपना जीवन यापन कर रही थी। बहुत दिन पहले कि दुर्गावती घूमने गई थी तो वहाँ पे एक व्यक्ति इनसे मिला था, उसने बताया कि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, तो इन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मेरा काम साल में 2 महीने का होता है लगन के सीजन में, अगर मुझे नर्स और उसकी नौकरी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसी नौकरी मांगने के सिलसिले में कल दिनांक को सुबह 1 बजे वो यहाँ से चंदौली से प्रस्थान किया था। ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि उन लोगों ने जो है जब जाकर उनसे मिली तो उन लोगों ने इनके साथ कुछ ड्रिंक किया और उसमें जो डॉक्टर नाम बता रही थी उसने इनके साथ दुष्कर्म किया। इस तरह की सूचना है और इसमें मुकदमा लिख करके थाना दुर्गावती जनपद प्रदेश बिहार को सूचना दे दी गई है। हमारे यहाँ भाई FIR पंजीकृत कर ली गई है, धारा 328, 354 और 376 का मुकदमा कायम करके अग्रिम कार्रवाई, मेडिकल वगैरह की सारी कार्रवाई पूरी की जा रही है। सामूहिक दुष्कर्म की बात ही सामने आ रही है, अब तक क्या पूछा? नहीं, उसने उन्होंने बयान में अपना स्पष्ट बताया है कि जिस चारपहिया गाड़ी पे वो हमको बैठा करके ले आ रहे थे तो सिर्फ एक डॉक्टर ने ही दुष्कर्म की बात की। उन्होंने कहा कि शराब पिलाने में इनके साथ 2 सहयोगी और थे, एक जो गाड़ी चला रहा था और एक को लोग सर सर बोल रहे थे, मात्र 3 व्यक्ति थे। सामूहिक दुष्कर्म की बात एकदम गलत है।